तो ये मेरा नया बिजनेस, एक और नया बिजनेस। बारिश के सीजन में ये मशरूम बहुत मिलते हैं। तुम लोगों को पता है ये मंदिर की कहानी। डैडी जी बंदूक लेके कहाँ जा रहे हो? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग। और ना गाइज, सुबह सुबह अभी मैं तैयार होके कहाँ जा रहा हूँ पता है? आज मैं जा रहा हूँ मंदिर। तो नीचे शीतल देवी मंदिर जाएंगे एंड ऊपर लंबागांव विलेज में भी देवी का मंदिर है, वहाँ पर भी जाएंगे। ठीक है, तो आज सुबह सुबह फ्रेश फ्रेश होके, बहुत जल्दी उठा था आज, बहुत फ्रेश लग रहा है। यहाँ पर मम्मी जी, हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग। और मम्मी क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग, नमस्ते सब जनालाई। मम्मी ना रहे। और यहाँ पर है टार्जन भाई, बहुत दिन के बाद में ब्लॉग में। और टार्जन भाई, हम जा रहे हैं आज मंदिर। एक्चुअली गाइज, लद्दाख जाने से पहले भी मैं मंदिर गया था, आप लोगों को पता है। एंड मैंने प्रे किया था, गॉड प्लीज मुझे सेफली, मतलब मेरा जो टूर है, मेरा जो लद्दाख सीरीज था, एक महीने का सीरीज, बहुत ही डिफिकल्ट, वॉज अ वेरी मतलब अच्छा जर्नी था। एंड गाइज ना, भगवान ने मुझे बहुत साथ दिया है। एंड मुझे, मेरे साथ क्या क्या हुआ था आप लोगों को पता है। एंड बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हुआ, लेकिन आई थैंक गॉड कि मैं सेफली घर पहुँचा। तो अभी गॉड को थैंक करने के लिए मैं मंदिर जाऊँगा। एंड अभी मेरा नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप भी शुरू हो रहा है गाइज, उसके लिए भी प्रे करूँगा कि मेरा ट्रिप सफल रहे एंड आगे का लाइफ का जर्नी भी अच्छा रहे। एंड सब लोग, जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, सब लोग खुश रहे, तो यही प्रे करूँगा। तो चलो अभी चलते हैं मंदिर। तो गाइज, यहाँ पर है लाल लाल फूल। सो ये फूल मंदिर में चढ़ाने के लिए सही है, क्योंकि माता रानी को लाल फूल अच्छा लगता है। लो, जय माता दी, गोइंग टू मंदिर। गाइज ये देखो, सुबह सुबह हमारे मोटी माई जी ने क्या दिखाया, ये देखो, ये है चाव। एंड ये है गाइज, मतलब क्या बोलूँ इसका, एक्चुअली नाम तो पता नहीं, मैं बोलूँगा कि वाइल्ड मशरूम। वाइल्ड मशरूम है। अभी बारिश का सीजन है ना, बारिश के सीजन में ये मशरूम बहुत मिलते हैं, स्पेशली टी गार्डन में। जो लोग टी गार्डन में काम करने के लिए जाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, उन लोगों को ही ये मिलते हैं। एंड ये मिले है हमारे मामा जी को। तो मामा जी तो नहीं अभी घर में है, मामा जी ये पुरस्कार किसको मिला है मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर है हमारे साइला मामा, तो साइला मामा को मिला है चाओ पुरस्कार मिला गाइस। ये अभी हम कहाँ लंच में खाएंगे कि डिनर में? 12 बजे है ना लंच में। इसको ना लोकली कालुंगे चाओ बोलते है, चाओ मीन्स मशरूम, और कालुंगे इसका पता नहीं किस चीज का नाम दिया है। देखो भाई साहब, ये तो बारिश में हाँ छात्री जैसा है ये तो। धन्यवाद, चाओ खाएंगे बाद में, पका के टेस्ट करेंगे। गाइस ये देखो क्या है, ये बी सब्जियों का कमी नहीं है घर में। चलो अर्जुन भाई, ये देखो गाइस, काफी दिन के बाद माने का भी दर्शन हो गया। ओ माने पे मैं हूँ, छोड़ते हैं। ताजन भाई बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। वेरी गुड। सो गाइस, अभी सुबह सुबह हम पहुंच गए शीतल देवी मंदिर। बारिश और उसके वजह से ना पूरा यहाँ पर झाड़ जंगल हो गया है। बुलावा आया है, आराम से जाना, बीस वो है फिसलन है बहुत। देखो पूरे मंदिर के छत में भी पूरा पत्ता हो गया, ऊपर पेड़ों का पूरा पत्ता गिर गया। तो गाइस अभी देख सकते हैं मंदिर ऐसा है अभी। चलो गाइस, नीचे का नज़ारा, ये पूरा विलेज का नज़ारा, ये टी गार्डन का नज़ारा। और अभी हम घंटी बजाएंगे, पहला घंटी बजाओ आज। तो भाई जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स है उन लोगों को पता नहीं है, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स है उन लोगों को पता है ये मंदिर की कहानी, मतलब ये मंदिर कैसे ऐसे बन गया है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है एक्चुअली, बहुत पहले से यहाँ पर पूजा होता था ना। तो फिर मैंने एक दिन ब्लॉग बनाया था, ये मंदिर ऐसा नहीं था, सिर्फ यहाँ पर ऐसे पत्थर और मिट्टी था, बहुत ही ऐसा ना ढलान था, बहुत ही डिफिकल्ट होता था पूजा वूजा करने में। तो एक दिन मैंने ब्लॉग बनाया था ऐसा ही, और ऐसे करके सब लोगों ने हेल्प करना शुरू किया, और हमारे दर्शन ब्लॉग्स फैमिली ने बहुत हेल्प किया, और डोनेशन बहुत सारा डोनेशन यू नो सब लोगों ने डोनेट किया था, और सारे विलेजर्स मिलके ये मंदिर अच्छा बन गया अभी। अगर आप लोगों ने वो पुराना वाला मंदिर वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, ये मंदिर के बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। Thank you.
सो गाइस फाइनली अभी शीतल देवी मंदिर में पूजा कर दिया है एंड अभी हम जाएंगे ऊपर लंबा गांव देवी मंदिर में। एंड यहाँ पर ना गाइस अभी बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहा है, यहाँ पर देखो पूरा मच्छर ने काट लिया, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी काटा है भाई। सो लेट्स गो, देखिए मौसम कैसा होता है। अभी तो बारिश बारिश नहीं है, आज मौसम बहुत ही अच्छा है। तो गाइस अभी देखो मंदिर से घर आ चुके हैं एंड घर आते ही ना यहाँ पर वाईफाई का वायर चेक करने के लिए बिकास दा आ गया है, तो मैं सोच रहा कि डायरेक्ट लंबा गांव मंदिर जाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा उलझना पड़ेगा, पहले वाईफाई का वायर चेंज कर लेते, पूरा वायरिंग चेंज करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। मम्मी जी को टीका विका लगा दिया है। लो सो गाइस देखो अभी वायरिंग का काम चल रहा है, पूरा नया तार है ये तो। यहाँ पे विकास था, हमारे इंजीनियर आ गए वाईफाई बनाने के लिए। इंजीनियर कितना देखो तगड़ा है, देखो इंजीनियर कितना तगड़ा है, मुंह से ही बनाते हुए आया नहीं आता ब्लॉक में। गाइस ये देखो यहाँ पर बहुत ही अजूबा एक इंसेक्ट दिखाई दिया है, जिंदगी में पहली बार देखा ऐसा है। देखो इसके मतलब कवर है इसके आउटर लेयर पे, साइड इसका शील्ड होगा और फिर इसके अंदर में एक ककून जैसा कुछ है। देखो इंसेक्ट लार्वा होगा, हाँ लार्वा भी हो सकता है पता नहीं। ये देखो ओह माय गॉड कितना खतरनाक है ना। टर्जन भाई छू के देखो ना, अच्छा भी है ना हाँ। आप लोगों ने कभी ऐसा इंसेक्ट देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करके बता देना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। देखो इसका आउटर लेयर जो है ना कवर अमेजिंग है और इसके साइड में एक इंसेक्ट आ रहा है देखो इसको खाने के लिए। सो गाइस वाईफाई का वायरिंग कंप्लीट करके आ गया, लेकिन वायरिंग तो किया लेकिन वाईफाई का लाइन ही नहीं आया, पता नहीं क्या दिक्कत है, फिर से देखना पड़ेगा बाद में। चलो अभी हम जा रहे हैं लंबा गांव मंदिर और यहाँ पर देखो वाटर क्रॉसिंग ब्रिज है छोटा सा, यहाँ पर वाटरफॉल है देखो झरना अम्बो दामी रहता है यहाँ भाई। यो गाइस ये झरना के नाम पे एक नेपाली गाना आप लोगों के लिए, झर 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 झरने झरना को पानी पिउन न सक्ने ए हे हे ला 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 ला। वाह 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 क्या बात है हाँ, फिल्म गाइदे ना अंत मैं गीत हो जल मैं गीत को उधर गाइदे। लेट्स गो लेट्स गो गाइस, पानी यहाँ से आता है, ये नेचुरल स्प्रिंग वाटर है, यहाँ से ना पानी जाते है नीचे विलेज में। सो गाइज आज सुबह सुबह ना मॉर्निंग एक्सरसाइज बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि गाइज बहुत नीचे से चल के आया, आप देख सकते हैं तर्जन भाई थक गए देखो गाइज बहुत नीचे से। हाय राम अभी हम पहुंच गए यहाँ पर लंबा गांव देवी मंदिर में। एंड गाइस यहाँ पर आने के बाद ना वाइब्स ही बहुत ही अलग होता है, पूरे जंगल के बीच में मंदिर है, एकदम पीसफुल एरिया में। गाइस अभी देखो बारिश की वजह से पूरा ऐसा है, यहाँ पर पूरा यहाँ तो पोखरी बन गए गाइस, पूरा लेक बन गए देखो, पानी जाम हो गया, ऊपर से पानी आ रहा है। ओ माय गॉड अच्छा चीज़ पानी यहाँ से पानी आ रहा है देखो गाइस, पूरा जमीन के नीचे से पानी आ रहा है देखो। ओ भाई साहब पूरा जमीन के नीचे से पानी आ रहा है देखो, यहाँ पूरा पेड़ पौधा है पत्थर है इसके नीचे से पानी पूरा नदी बह रहा है नदी। ना बंद छो क्यों गाइस। फाइनली अभी लंबा गांव देवी मंदिर में पूजा हो गया कंप्लीट, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही मजा आया गाइस। सो चलो अभी हम चलते हैं घर, घर जाके ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करेंगे, भूख भी लग रहा है ना टाजन भाई थोड़ा थोड़ा हाँ थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखो गाइस ये शुद्ध जल है, पानी पी के जाएंगे थोड़ा थोड़ा तो पीना ही पड़ेगा। क्या दामी पानी क्या मेडो है सचिन। गाइस देखो हम कैसे चल रहे हैं पानी में, मजा आ रहा है गाइस पानी में चलने में। यहाँ पर है
वो नेचुरल नेचुरल फुट मैट भूखा कर दिया वहाँ तोफा ए प्रसाद तो खाने विशेष पंडित जी प्रसाद दो यार भगवान का पूजा हो गया, अब हम करेंगे पेट पूजा प्रसाद खा के। सो प्रसाद ये ला केला रहा हूँ गाइस सुबह से कुछ नहीं खाया था, इतना भूख लग रहा था ना, और इतना टेस्टी केला मिला, बहुत अच्छा लगा। ओ भाई ऑलमोस्ट 11:30 होने को है, चलो यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है ना, देखो विलेज का नज़ारा अलग होता है गाइस। यहाँ देखो गाइस भाले पोथी डेटिंग कर रहा है तो अभी बारिश ज़्यादा होने के कारण से यहाँ पर छोटा सा लैंडस्लाइड गया है, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन लैंडस्लाइड गया है यहाँ पर। यहाँ पर देखो ये चलने का रास्ता है, तार्जन भाई देख रहा है, और ये देखो पूरा ज़मीन धस के नीचे गया। एंड लुक एट दिस व्यू गाइस, वाओ। चलो तार्जन भाई, हाँ फाइनली अभी दोनों मंदिर का दर्शन हो गया है। एंड अभी ऑलमोस्ट देखो गाइस लंच टाइम होने को 11:30 हो गया है। एंड मम्मी जी साफ सफाई कर रहे हैं ना, मम्मी साफ सफाई, ये पूरा झाड़ जंगल हो गया था ना, पूरा का पूरा साफ कर रहे हैं मम्मी जी। आज मौसम अच्छा है गाइस, मतलब बारिश नहीं हो रहा है, यही अच्छा है हमारे लिए मौसम। मेघा जी को लड्डू दो प्रसाद में, मेघा मेघा का लुक देखो आज दोनों बात वो करके चुटकी जैसा हो गया। चिड़िया रानी बड़े सुहानी अंडे दिए खास, इसमें से निकला कछुआ पहला दिन थे चुटकी सो गाइस किशन जी ने कहा था पूजा करने के बाद दो केला जरूर खाना, तो एक तो हम लोग खा लिया है, अभी एक खाएंगे आज का पूजा हो गया कम्प्लीट। चेस दुकान का केला नहीं है, ये प्रसाद है, ये दुकान का केला नहीं है। अभी इसने तो पूजा नहीं किया था, क्यों दिया केला? ये प्रसाद हो। सो गाइस अभी देखो मैं बैठा हूँ दुकान में, आज मैं बन गया दुकानदार, डैडी जी के दुकान में बैठा हूँ क्योंकि डैडी जी लंच करने के लिए गए ना, और मैं अपना काम भी कर रहा हूँ गाइस, अपना वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ, डैडी जी का दुकान में आज संभाल रहा हूँ गाइस, मैं बन गया मालिक। तो गाइस अभी डैडी जी खाना वाना खा के आएंगे, फिर मैं जाऊंगा खाना खाने, काम भी हो रहा है गाइस, वीडियो एडिटिंग भी कंप्लीट होने को है। वाईफाई नहीं चल रहा है तो उसका ही दिक्कत है, तो वो पता नहीं कब सॉल्व होगा ये वाईफाई का इश्यू, पता नहीं यार। तो गाइस देखो 2:30 होने को है, मैं डैडी जी का इंतजार कर रहा था, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। आप लोग पता है सुबह मंदिर गया था ना, मंदिर से आने के बाद सिर्फ मैंने केला ही खाया था, तो केला खाने के बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। डैडी जी देखो 2:30 में आ गया ऑलमोस्ट, क्या किया इतना देर, नीचे काम ही किया ना, देखना आज मैंने पूरा आपका दुकान संभाला गाइस, ये मैं नया बिजनेस गाइस, मुझे भी एक्चुअली बिजनेस में इंटरेस्ट है, लेकिन आजकल ब्लॉग वर्क के कारण से पूरा घूमता फिरता रहता हूँ ना, तो बिजनेस में टाइम नहीं दे पाता, लेकिन बिजनेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है गाइस अच्छे में, तो ये मेरा नया बिजनेस, एक और नया बिजनेस खोलूंगा मैं, है ना डैडी जी, खोले एक नया बिजनेस, खोलो 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 ऐसे रहेंगे तो। खाना क्या है, खाने में क्या है आज? मूली का अचार, दही, दाल और खुर्सानी, चावल नहीं है, चावल तो है ही। तो चलो गाइस कल वाला वीडियो का मतलब एडिटिंग भी कंप्लीट हो गया है, आज शाम को अपलोड करने के लिए ट्राई करूंगा, वाईफाई तो नहीं है फिर भी ट्राई करूंगा। तो चलो अभी खाना वाना खाते हैं। एंड डैडी जी मैंने आपको पूरा बिजनेस संभाल दिया है, आज 2 घंटा कितना संभाला है उसका मुझे पगार चाहिए, ठीक है बाद में, बाय बाय। खाना है उसमें। तो गाइस अभी देखो मम्मी जी दुकान में बिजी है, तो मुझे अपने आप परोस के खाना पड़ेगा। देखो आयो, हेलो मम्मी जी आ गए, खाना परोस दो ना मम्मी, आपके हाथ का खाना ही मुझे अच्छा लगता है मम्मी। हमारे मम्मी भी मशीन से कम नहीं है। तो मम्मी जी ने खाना परोस दिया है, तो भी खाना वाना खाएंगे, मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। मैं अभी खाना वाना खा लिया है, अन्ना गाइस फिर से लैपटॉप लेके मैं जा रहा हूँ ऊपर बिकस्ता के घर में, क्योंकि मेरा ना वाईफाई बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, यहाँ पर फोन का इंटरनेट तो पूरा जीरो है गाइस, नेट ही नहीं चलता है। तो अभी गाइस वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे ऊपर जाके वीडियो अपलोड करके आना पड़ेगा, तो चलो वीडियो अपलोड करके आते हैं अभी। माथि गएर आउँछु ल वीडियो अपलोड, अपलोडिङ 18% भइहाल्यो यहाँ स्पिड हो, स्पिड त ठिकै छ है। अभी देखो फाइनली अपना व्लॉग भी अपलोड करके आ चुका ऊपर से, एंड गाइस घर में आते फिर से दादी जी ने बुलाया
और कहा कि मतलब यहाँ पर बैठो दुकान में, क्योंकि डैडी जी को जाना है नीचे, जो गैरेज में काम हो रहा है नया घर का, तो वो देखने के लिए जाना है। तो डैडी जी को मना भी नहीं कर सकते है ना, तो यहाँ पर अभी डैडी जी का दुकान देख के बैठ रहा हूँ। एयर गाइज ऑलरेडी मैंने 30 रुपए का मिठाई तो खा चुका हूँ डैडी जी। और फिर अभी ये देखो साइड में कुरकुरे वुरकुरे पड़ा हुआ है, इसको भी खाने को मन कर रहा है। बाद में खाएंगे ये भी। अगर डैडी जी लेट आया तो जितना डैडी जी लेट आएगा उतना डैडी जी का नुकसान, जितना जल्दी आएगा उतना थोड़ा प्रॉफिट। अभी कितना हुआ, अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे होने को है, तो 10-20-30 करके 30 रुपए का मिठाई मैंने खा चुकी है। और ज्यादा लेट करेंगे तो और ज्यादा 20 रुपए ऐड हो जाएगा, 50 हो जाएगा फिर। तो चलो आज डैडी जी की दुकान में ही संभाल रहा हूँ। गाइस बचपन में भी मैं ऐसा ही करता, बचपन में तो ये वाला दुकान तो नहीं था डैडी जी का, जो घर वाला दुकान है ना मम्मी जी का, वो सिर्फ वही वाला दुकान था, छोटा सा। एंड बचपन में ना जब भी मतलब मम्मी डैडी कहीं पर बिजी होते हैं तो दुकान खाली होता है, तो मैं चुपके से जाता था और कुछ चुरा के खाता था। तो अभी तो बड़े हो गए फिर भी खाते तो है हम। पूरा पैकेट कुरकुरे खत्म कर दिया मैंने, छोटा वाला पैकेट वाला। अभी ना दुकान में भी ऐसे बैठे बैठे बोर फील हो रहा है एक्चुअली। तो डैडी जी मुझे पता है, डैडी जी पूरा ब्लॉग देखने के बाद ये सारा मिठाई का प्राइस जोड़ेंगे, तूने इतना नुकसान किया भरपाई कर ऐसे बोलेगा सच्ची में। वेफर ये मेरा फेवरेट मिठाई है, बचपन में बहुत खाता था ये मैं। सो गाइस देखो फाइनली डैडी जी आ गए, एंड अभी मैं दुकान से निकल के जा रहा हूँ। डैडी जी का थोड़ा बहुत नुकसान कर दिया, बाद में ब्लॉग देखेंगे, कैलकुलेट करना, गूगल पे कर दूंगा ठीक है। गूगल पे बाय। गाइस अभी देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे आ चुके हैं, यहाँ पर काम चल रहा है। देखो रात में भी धमाधम से काम चल रहा है। देखो वो डैडी जी बंदूक लेके कहाँ जा रहे हो? करो मेरा फिनिशिंग काम है ना, 12 बजे तक काम करना है मेरा लास्ट फिनिशिंग काम। अभी धमाधम चल रहा है देखो। तो गाइस अभी देखो डिनर टाइम हो गया है, एंड अभी तक डैडी जी नहीं आया। डैडी जी ना वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है साइट पे वहीं पर है, तो अभी मॉम और हम डैडी जी का इंतजार कर रहे हैं, तो डैडी जी आके खाना वाना खाएंगे। सो यस गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे दर्शन ब्लॉग, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। बाय बाय गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते मिस बाय, वंदना। ओके बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, नेटवर्क नहीं चल रहा है एवरीवन, क्या करूं बाय। गाइस रात में देखो डैडी जी क्या क्या मंगवा रहा है, ये रॉड काटने वाला ब्लेड, और काम जारी है यहाँ पर देखो। ये है ना बाबा, 10 वाला 10 वाला।